हेलो दोस्तों, जय द्वारकाधीश। मैं हेमलता आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी हरितालिका तीज कल है उसका वीडियो। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट तीज का सामान लेने, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में बने रहिए, देखें हम आगे कैसे तीज मनाते हैं। ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों देख सकते हैं ज्योतिका रूसी हुई है, क्योंकि उसको बाइक पे आगे बैठना था। जयदीपुर ज्योतिका हमेशा इसी चीज़ के लिए लड़ते हैं कि मैं आगे बैठूंगा, मैं आगे बैठूंगी। ये दोनों ही जीतती है। आप सब भी चलिए हमारे साथ मार्केट घूमने और देखिए हम क्या क्या खरीदते हैं पूजा के लिए, तो वीडियो में बने रहें। तो हम मार्केट आ चुके हैं सामान लेने, और इस दुकान में जयदीप ज्योति का जो सामान मिलता है सबको बास्केट में बोलते हैं, ये रख लो वो रख लो। इन दोनों को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है, देखिए ये कितनी मस्ती करता है यहाँ पे, देखिए। और वीडियो में बने रहिए। अच्छा ठीक है, मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम आए थे रसगुल्ला और पूजा की कुछ मिठाइयाँ लेने, लेकिन यहाँ पे रसगुल्ला ताज़ा वाला नहीं बना था, पैकेट वाला था, तो मैंने वो नहीं लिया था। यहाँ गणपति जी की बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, और जो गणेश चतुर्थी है दोस्तों, और ये हम आ गए हैं दान का सामान यहाँ से लेते हैं हम। मेहंदी में अपने पतिदेव का नाम लिखते हुए तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ। रात बहुत हो चुकी थी, जयदीप देखिए सो गया है, और मैं हमेशा अपनी मेहंदी खुद से ही लगाती हूँ। मार्केट में अगर ये मेहंदी लगवाने जाएं तो इसमें बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन मैंने आज तक कभी मार्केट में मेहंदी नहीं लगवाई है, क्योंकि मुझे बचपन से ही मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ था, तो मैं बचपन से ही ऐसी मेहंदी लगाती हूँ। ब्राइडल मेहंदी भी मैं बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ दोस्तों। और ये मेरा एक शौक़ था, आप देख रहे हैं मेहंदी आगे ऑलमोस्ट लग चुकी है, पीछे भी लगाऊंगी, और यहाँ ज्योतिका भी इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं उसको लगाऊं।
अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि मेहंदी का कोन ला के रखा रहता है लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन कल तीज है तो तीज के लिए तो मेहंदी लगानी ही है। बस आप देखिए मैं फटाफट मेहंदी लगा रही हूँ। और दोस्तों मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि ये बहुत स्लो स्लो चलता है तो आप सब बोर हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा और प्लीज़ मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि और मैं आगे बढ़ पाऊँ। और वीडियो कैसा लगता है एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तीज की पूजा वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बस उसकी तैयारी चल रही है और इसके बाद मुझे ज्योतिका को भी मेहंदी लगानी है। उसको मुझे दो बार लगानी पड़ी थी क्योंकि उसको एक बार लगा दी तो उसका पूरा हाथ तके में लग के उसकी मेहंदी ख़राब हो गई तो बहुत रो रही थी। फिर उसका हाथ धो के दोबारा से उसको मुझे मेहंदी लगानी पड़ी। और मेरी बेटी को भी मेहंदी लगवाने का बहुत शौक़ है। अगर उसको हाथ में थोड़ी सी लगा दो तो वो मानती नहीं, वो भी मेरे जितने ही पूरे हाथ भर के मेहंदी लगवाती है तो मुझसे भी ज़्यादा मेहंदी लगवाती है। कभी कभी मैं बस थोड़ा सा ही लगा लेती हूँ, नेक हो जाता है, लेकिन वो नहीं मानती है। उसको मेहंदी का मुझसे ज़्यादा शौक है। और दोस्तों तीज का त्यौहार मेरा बहुत ही ख़ास है। जब भी साल बदलता है मैं कैलेंडर में सबसे पहले देखती हूँ कि तीज किस दिन को है। इस व्रत में मेरी बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है दोस्तों। बहुत जल्दी हाँ, लेकिन मुझे बहुत ही लगता है व्रत बहुत हार्ड लगता है क्योंकि ये निर्जला रहना पड़ता है तो मुझे उतनी शरीर में ताकत लगती नहीं है। और दिन भर घर में काम भी करना पड़ता है, दिन भर तीज की तैयारी करो। ऋतिका तो स्कूल चली जाती है अभी लेकिन जयदीप परेशान करता है। एक ही काम को मुझे दोबारा दोबारा करना पड़ता है। कल मैंने सब तैयार कर लिया था कि चलो आज मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी मेरे पास उतना ही काम है। इसके बाद हम वापस सो जाएंगे। देखिए मेरी मेहंदी मैंने खुद लगाई है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए अभी रात के 3 बजने जा रहे हैं और मैं ले रही हूँ सरगी में ये थोड़ा सा नाश्ता ड्राई फ्रूट्स का और मैं पानी पी लूँगी ताकि मुझे दिन भर एनर्जी मिले। तो मैं अभी अपनी सरगी कर लेती हूँ, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी रात के 3:15 बज रहे हैं और मेरी सरगी हो चुकी है तो मैं अभी वापस सो जाऊंगी। मैं फिर उठूंगी सुबह। तो देखिए दोस्तों मैं अपने बगीचे से ही आम का लतौन तोड़ के आ गई हूँ और इसके बाद मैं नहा के अपनी पूजा कर लूँगी सुबह वाली, संकल्प लेने वाली। यहाँ मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है और मैंने पूरे दिन निर्जला व्रत का संकल्प भी ले लिया है। ये देखिए सुबह का पूजा पाठ सब हो चुका है मेरा। दोस्तों मैंने अपनी सुबह की पूजा कर ली है। 8:38 बजे तक का जो संकल्प लेने का मुहूर्त था उसमें मैंने आज हरितालिका तीज व्रत का संकल्प ले लिया है और मैं आज पूरे दिन व्रत की तैयारी करूंगी। तो आगे आप वीडियो में बने रहिएगा।
देखिए दोस्तों, मेरे बेटे ने क्या काम कर दिया, वो सिर्फ मेरा काम बढ़ाता रहता है। और ये देखिए, मैं उधर काम करने लगी और उसने पूरा इस रिमोट का ऑपरेशन कर डाला। ये लड़का मुझे कुछ काम नहीं करने देता है। और इतने ऐसे ही देखिए, अब मैं इसका क्या करूँ, पूरा रिमोट का इसने कर डाला। सत्यानाश, बहुत सारी तैयारी बाकी है, उसको मैं अकेले छोड़ देती हूँ दोस्तों, तो वो ऐसे ही उल्टा सीधा काम करता रहता है और मैं अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ, तो उसके बाद मेरा काम ज़्यादा ही फैलता है। तो ये देखिए, ये मेरा रिमोट तोड़ ताड़ के कितने मज़े से आराम से अकेले खा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसने कि इसने क्या काम बिगाड़ा है। अब मेरे को दूसरा रिमोट लेना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बार तोड़ चुका है इस रिमोट को और ये बहुत बदमाश है, बहुत ज़्यादा ही। दोस्तों ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दी हूँ, ये है साड़ी जो माता गौरी को चढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं ये साड़ी अपनी सास को दे दूँगी। ये फुल कॉटन साड़ी है और इसको मैंने ख़रीदा था सूरत से। ये आज की पूजा में मैं ये माता पार्वती को ये श्रृंगार में ये अर्पण करने वाली हूँ। और दोस्तों ये देखिए, ये है मेरी साड़ी जो मैं आज पहनने वाली हूँ। ये साड़ी देखिए दोस्तों, पूरी ये नेट वाली है और इसको मैंने लिया था मीशो से। ये ऑनलाइन मैंने मंगवाया था इस साड़ी को क्योंकि मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। और आज मंगलवार है और मेरा साड़ी का कलर भी लाल है, तो आज मेरा मैचिंग हो जाएगा। और ये देखिए, ये इस साड़ी पे मैं जो ब्लाउज़ पहनने वाली हूँ, ये डिज़ाइन मैंने खुद पसंद किया था इस ब्लाउज़ में ऐसे बनवाने का। और दोस्तों ये वाला ब्लाउज़ मुझे अपनी जेठानी ने बना दिया है जो सूरत में रहते हैं। ये डिज़ाइन मैंने यूट्यूब से देखा था जो मुझे बहुत पसंद आया था। तो ये ब्लाउज़ मेरा इस साड़ी का नहीं है, ये मेरी दूसरी साड़ी है लक्ष्मीपति वाली, ये उसका ब्लाउज़ है लेकिन ये कोरा पड़ा है। और उस साड़ी का ब्लाउज़ मैं वट सावित्री वाली साड़ी के साथ पहन चुकी थी, तो इसलिए इस बार मैं इसको पहनूंगी। और मेरी जेठानी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन सिलती है ब्लाउज़ का, मुझे बहुत पसंद आता है। ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर कैसा आया है दोस्तों। और अभी मैंने कुछ नहीं किया, नेल पेंट छुड़ी वगैरह सब चेंज करना बाकी है, अभी कुछ घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फटाफट दोपहर बाद अपना रेडी होना स्टार्ट करूँगी। तो दोस्तों अब मैं आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दीजिए, कमेंट करिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी हैप्पी हरितालिका तीज, आप सबको तुझकी ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। जय द्वारकाधीश।